फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हम वी लुकअप को एज एन एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब वी लुकअप हमें पता है किस लिए यूज़ होता है, किसी एक डेटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम अ सेट ऑफ लार्ज डेटा। अब हमको एज एन एरे इसको कब यूज़ करना है, जब हमको एक से ज़्यादा वैल्यू सर्च करनी हो फॉर अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो हम अपने वी लुकअप को एज एन एरे उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने जो डेटा दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो, नेम ऑफ एम्प्लॉई चंदन, आइटम सोल्ड बाय हिम इज डेस्ट, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड इज 2 एंड ऑर्डर डेट 9 जनवरी 2014। एंड सिमिलरली हमारे सामने ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा अपना दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मेरे को केवल इतना फाइंड आउट करना हो कि से फॉर एग्जाम्पल कार्तिक ने कौन सा आइटम बेचा, तो दैट आई कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फंक्शन। लेकिन अब सपोज़ मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि उसने क्या बेचा, कितना बेचा और ऑर्डर डेट क्या थी, तो हमको केवल वी लुकअप लगा के अपना काम नहीं होगा, हमको एक वी लुकअप को एज एन एरे यूज़ करना होगा। कैसे, आइए सीखते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार नॉर्मली रिवाइज करवा देती हूँ वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। सपोज़ हमको कार्तिक के लिए केवल आइटम सोल्ड बाय हिम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को सर्च करना है कार्तिक को, एंड देन वी सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा जहाँ से हमको उस वैल्यू को उठाना है। तो ये हमने पूरी वैल्यूज अपनी रेंज को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब हमको क्या देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आइटम सोल्ड बाय हिम इज कॉलम नंबर 2, एंड चूंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम फॉल्स ऐसे 0 लिखे एंड विल क्लोज द ब्रैकेट, एंड हमारे सामने पेंसिल आ गई वैल्यू। इसी तरीके से मुझे अगर फॉर्मूले को चेक करना है तो मैं कार्तिक की जगह यहाँ पे मनीष लिख के देखूँगी, एंड मनीष एज यू कैन सी योर एक बिंडर, तो यू गेट बिंडर, यानी कि हमने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया है। अब लेकिन हम लोग ये देखेंगे मूविंग बैक टू कार्तिक कि हमको क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड भी निकालना है और ऑर्डर डेट भी निकालना है। तो मैं फॉर्मूले को डिलीट करी और अब आप देखो आपको ये कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर लिखोगे, ऐसे सेलेक्ट करके लिखोगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यूज करके नॉर्मली जैसे कर रहे थे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई, कॉमा। अब क्योंकि हमको तीन वैल्यूज इस बार फाइंड आउट करनी है, तो अब देखते हैं एरे के लिए हम क्या करेंगे, अपना कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एंड कॉलम नंबर कौन कौन से चाहिए, 2, 3 एंड 4, तो 2, 3, 4 एंड कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 0। और अब हम ब्रैकेट को क्लोज करने की जगह क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, और जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर किया हम देख सकते हैं कार्तिक के सामने की ये वाली वैल्यूज आपकी सारी एज एन आंसर आ गई, कि कार्तिक ने पेंसिल सोल्ड की कितनी, 67, तो कब की, 12 दिसंबर 2014। फॉर्मूला को चेक करते हैं, कार्तिक की जगह लिखते हैं इस बार राम, और राम के लिए आप देख सकते हैं बिंडर 28 एंड 12 20। अच्छा, ये जो आपकी ऑर्डर डेट आ रही है ना, ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका नॉर्मली बाय डिफॉल्ट एक्सेल में फॉर्मेट क्या होता है, नंबर का, इसको जब हम डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा सही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो है उसको डेट बनाया और अब आप देखो राम के लिए 21 दिसंबर 2015 आ गई, उसमें आपकी मंथ डेट फॉर्मेट लगा हुआ है, यहाँ पर डेट मंथ फॉर्मेट है, उसका भी आप चाहो तो चेंज कर लो, मंथ डेट वाला फॉर्मेट, वो तो पहला फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। और इसको चेक करते हैं, पुनीत लगा के देखते हैं, और पुनीत के लिए भी हम देख सकते हैं वी आर गेटिंग द वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई लुकअप एज एन एरे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा।